सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। अंतरिक्ष में रूस और चीन की पहुंच हो गई है। जी हां, आपको बता दूं कि नासा से रूस और चीन अपने आप को अलग कर चुके हैं, और यानी ISS। जी हां, ये ISS ये नासा का प्लान था, इससे चीन और रूस अलग हो गए हैं और दोनों ने ऐलान कर दिया है कि स्पेस में वो अपना स्पेस स्टेशन भेजेंगे। चीन ने तो काफ़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ रशिया भी पूरी तरह से काम पे लग गया है। 2030 तक बड़े बड़े काम रूस कर देगा, लेकिन जताया ये जा रहा है रूस की मीडिया की तरफ से कि शायद उससे पहले ही रूस अंतरिक्ष में कमाल दिखा दे। यहाँ तक कि चीन के बारे में ये भी खबर सामने आ गई है कि चीन ने तो अपने स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पर भी तैनात कर दिया है। बताया ये गया है रिपोर्ट के अनुसार कि अप्रैल के महीने के आखिर में ये लॉन्चिंग की जाएगी। चाइना डेली रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को सुबह लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च पर तैनात कर दिया गया है। इसी लॉन्च पैड के जरिए बताया गया है कि अप्रैल के आखिर में चीन के इस कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। चीन ने अपने इस कैप्सूल का नाम टियांगोंग रखा है, जिसका मतलब यानी अर्थ होता है जन्नत का महल। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि चीन का ये कैप्सूल बेहद आधुनिक होगा, जिसकी जो लाइफ होगी वो 15 साल होगी और इसमें जो है रहने की पूरी सुविधा होगी, साथ में इसके अंदर 2 लैब भी होंगी। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं, लेकिन मेन बात यह है कि 15 साल की इसकी लाइफ बताई गई है और इसके बीच में और भी तेज़ी से नए कैप्सूल पर काम कर रहा है चीन। दूसरी तरफ रूस भी अपने अंतरिक्ष कैप्सूल पर तेज़ी से काम कर रहा है, और बताया जा रहा है कि अभी तक रूस ने अपने कैप्सूल की डिटेल नहीं दी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रूस का अंतरिक्ष का ये कैप्सूल चीन से भी एडवांस वाला कैप्सूल होगा। चीन और रूस दोनों ही मिलकर इस वक्त अमेरिका की नींद उड़ा रहे हैं, इसी वजह से चीन और रूस अमेरिका की आंखों में खटक रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से बड़ी खबरें कम से कम वक्त में आसान जबान में आपको मिलती रहे। जय हिंद।